फ्रेंड्स, देखिए अभी भी काफ़ी रश है, जबकि बारिश देखिए मौसम कितना ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ब्रेकफास्ट शुरू कर रहे हैं। मेरा है ब्रेड कटलेट। आज थर्सडे है तो मैं ब्रेड ऑमलेट नहीं खाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल नज़ारा, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए आज मैं आई हूँ संडे मार्केट, जो कि घंटा घर में लगता है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैं आज वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, तो बने रहिए इस व्लॉग में। तो देखिए, रश तो नॉर्मल है क्योंकि थोड़ा रेनी सीज़न है। रेनी सीज़न तो नहीं, मतलब रेन, आज बारिश बहुत हुई है, रात से बारिश हो रही है यहाँ पर, तो लोग बारिश की वजह से थोड़े कम दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए पीछे आवाज़ आ रही होगी क्लॉक टावर में, ठीक 12 o'clock हो चुका है। देखिए ये है घंटाघर इस पेड़ के पीछे। मम्मी कुछ कह रही है, तो देखिए क्या लेना है मम्मी को, कुछ दिखाई पड़ा। सेल लगी हुई है यहाँ, देखिए 200 की। यहाँ देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। ये देखिए लोअर्स। चलिए फ्रेंड्स, अभी हल्की बूंदाबांदी भी हो चुकी है, तो फटाफट हम लोग शॉपिंग करते हैं। देखिए बारिश में भी लोग कितने सारे आए हुए हैं। संडे का दिन है तो लोग आउटिंग कर रहे हैं, अपनी मज़े ले रहे हैं, बारिश के साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए सॉफ्ट टॉयज, टॉल्स, देखिए हैंड बैग्स और ये जैकेट्स हैं। हाँ ये फ्रेंड्स देखिए, लॉन्ग जैकेट्स का कलेक्शन है अच्छा खासा। फ्रेंड्स मम्मा ट्राई कर रही है एक जैकेट, उनको पसंद आया है, तो देखते हैं। काफ़ी सारी कलेक्शन रखी हुई है। ये देखिए मम्मा ट्राई कर रही है, इधर है मेरा, इधर देखो ट्राई कर। लूज है बट देखिए फ्रेंड्स, साड़ी की शॉप ऑलमोस्ट, आपको यहाँ पल्टन मार्केट में आएंगे तो आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। क्लोथिंग अगर आपको कुछ भी चाहिए, वेदर इट्स अ टॉप, जीन्स, बच्चों के कपड़े, साड़ी, सूट, एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स देखिए अभी भी काफ़ी रश है, जबकि बारिश देखिए मौसम कितना ख़राब हो चुका है, पर लेकिन लोगों की भीड़ अभी भी है। हम लोग की तो शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए बारिश आ चुकी है, सभी अपनी अपनी शॉपिंग को कवर अप कर रहे हैं। देखिए तेज़ आ चुकी है बारिश, हम भी टेंशन हो गए, हम कैसे जाएंगे घर। अब घर के लिए चले, हम लोग की सारी शॉपिंग हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट जो जो चाहिए था हम लोग का हो गया है, मम्मी का भी और मेरा भी। तो अब चलते हैं घर की तरफ। केयर कीजिए कि बस घर बिना भीगे चले जाए, लेकिन बारिश तो शुरू हो चुकी है यहाँ पे। फ्रेंड्स बारिश बहुत तेज़ आ रही है और हम लोग यहाँ पार्किंग में वेट कर रहे हैं कि कब बारिश रुके और हम लोग जाएँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश है। अब वेट कर रहे कब रुके बारिश और फिर हम लोग निकले, क्योंकि हम लोग की शॉपिंग सब हो चुकी है। थोड़ी हल्की हल्की हो रही है बारिश, ऐसा लग रहा है। अब देखिए कब रुकती है और फिर हम चलते हैं घर। ओ बादल भी गरज रहे हैं दोस्तों। हे फ्रेंड्स, तो हम लोग खाना खा पी के अभी थोड़ा सा बाहर आए थे, कुछ काम था हम लोग का। तो थोड़ा ठंड का मौसम है, जैसे कोई दिख ही रहा होगा यहाँ देहरादून में बहुत ठंड पड़ रही है, मैंने टोपी भी पहन रखी है। तो हम लोग को ऐसे रास्ते में दिखा ये टाइमली के, ये देखिए थोड़ा, चलो ठंड का मौसम है चाय पिया जाए, तो हम लोग यहाँ भी चाय पी रहे हैं, रुके हुए हैं। तो हम लोग ने चाय वगैरह ऑर्डर कर दी, मैंने अपने लिए सूप ऑर्डर किया है, मैंने कहा मैं चाय तो नहीं पीऊँगी सूप। तो इधर इन लोग की चाय आ चुकी है, ये देखिए हम लोग सभी आए हुए हैं। मिशु अपने पापा के संग लगी हुई है, चिकन सूप मेरा आ गया है, टेस्ट ठीक है, ओके ओके।
हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। तो हम लोग की ट्रेन आज सुबह 6 बजे की है, बट हम लोग की ट्रेन एक्चुअली कल रात की थी, बट किसी कारण से वो रीशेड्यूल हो गई है। तो आज हम निकल रहे हैं 6 बजे। तो मेरी बेटी भी पीछे से बोल रही है कैंसिल हो गई है। मिशु, क्या हो गया ट्रेन हमारी कैंसिल? और वो अभी सुबह है। तो हम लोग की सुबह 6 बजे है, तो घर से अब हम लोग निकल रहे हैं 4:30 बजे करीब, क्योंकि अभी सुबह कम रश होता है, ट्रैफिक ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हार्डली हाफ एन आवर लगेगा। तो बस अब हम निकल रहे हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है, सामान सब गाड़ी में डल चुका है। तो चलिए चलते हैं लखनऊ। बोलो। अच्छा मिशु, मम बैग दिखा दो अपना प्रिटी सा यूनिकॉर्न वाला। ये देखिए यूनिकॉर्न वाला। मिशु बहुत एक्साइटेड है फ्रेंड्स। तो मम्मी पापा लोग भी आ चुके हैं, बाहर है, और गाड़ी में लोड हो चुका है सामान, देखिए डिग्गी के अंदर। और पापा मम्मी लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ, तो उनकी गाड़ी बाहर है, 2 गाड़ियों में हम लोग जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब निकलते हैं घर से। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो चलिए, हमारी गाड़ी जो हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगने वाली है। तो हम लोग अब चल रहे हैं, मिशु आगे चल रही है बाजी के साथ अपने, कहाँ गए मम्मी पापा लोग, यहाँ हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अपना कंपार्टमेंट ढूंढने जा रहे हैं। कौन सा है हमारा? सुनो, S1 S2। तो B1 B2 हमारा कंपार्टमेंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 5:15। सभी सेटल डाउन हो चुके हैं, हम लोग ने अपने अपने लगेज रख दिए हैं। तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, एंड ये मिशु का फर्स्ट टाइम है जब वो ट्रेन में ट्रैवल करेगी। मिशु, आप हैप्पी हो? पर मम्मा थोड़ा सा बहुत डरी, थोड़ा सा ओके चलो है ना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग की जर्नी अच्छी, होपफुली डेफिनेटली अच्छी जाएगी। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 ईयर्स हो चुके हैं। तो चलिए, बने रहिए इस व्लॉग में और आपको हम दिखाएंगे अपनी ट्रेन जर्नी। तो फ्रेंड्स, हम लोग की ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है ठीक 7:15 पे, आज इसका यही टाइम था। तो चलिए एंजॉय करेंगे, और आप भी हमारे संग एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को देखकर। ये है ट्रेन हमारी, ये देखिए सनराइज हो चुका है। नीचे नहीं बैठ, नीचे नहीं बैठ। मुझे डर नहीं, मुझे डर नहीं। डरने की क्या बात है इसमें? तो फ्रेंड्स, चल चुकी है हमारी देहरादून से ट्रेन, और मिशु बहुत खुश है। अच्छा अच्छा, बहुत खुश है मेरी बेटी, फर्स्ट टाइम है। नहीं लग रहा बेटा डर? नहीं, थोड़ी देर में फास्ट होगी मिशु, ये फास्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका स्लो वो कमजोर है ना, इसलिए। अच्छा, तो
और देखिए फ्रेंड्स सनराइज भी हो चुका है। वाओ ट्रेन मैंने जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग को ट्रेन की एक्चुअल टाइमिंग रात की थी यस्टरडे 10:15 की बट 9:45 की थी यस्टरडे बट किसी कारण वो रीशेड्यूल हो गई तो आज सुबह 6 बजे की थी बट फिर भी 6 बजे भी नहीं चली 7:15 पे चली है और आगे की ये दो सीट्स में तो अभी फिलहाल कोई नहीं है मिडल और लोअर बर्थ में तो देखते हैं अभी मे भी शायद से कोई पैसेंजर्स चढ़े तो चलिए बने रहिए इस व्लॉग में। क्या बना रहे मिशु हम ट्रेन वीडियो ओके एंड शॉर्ट्स आल्सो ओके फाइन फ्रेंड्स डोईवाला हम लोग पहुंच चुके हैं डोईवाला में डोईवाला स्टेशन में ओके ये वाला स्टेशन है। तो फ्रेंड्स हम लोग ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है तो हम लोग का ब्रेकफास्ट आ देखिए इसमें ब्रेड कटलेट है और इसमें ब्रेड ऑमलेट है ये देखिए तो फ्रेंड्स आ गया है विद सॉस ये देखिए हम लोग का ब्रेकफास्ट अब हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट राइट मिशु लेट्स डू द ब्रेकफास्ट फाइन मम्मी का ब्रेकफास्ट ऊपर जा रहा है मम्मी तो क्योंकि ऊपर रेस्ट कर रही है फ्रेंड्स हम लोग ब्रेकफास्ट शुरू करें मेरा है ब्रेड कटलेट आज थर्सडे तो मैं ब्रेड ऑमलेट नहीं खाती हूँ आप सब खाते हो तो फ्रेंड्स हम लोग सभी चिल आउट कर रहे हैं विद लाइट चूड़ा हल्दीराम मिशु अपना फन कर रही है उसको ऑरेंज टॉफी डाली हुई है मुंह पे हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है अब थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह फिर खा रहे हैं क्योंकि आप जब सफर करो तो आपको भूख लगती है मेरे साथ तो ऐसा होता है मुझे बहुत भूख लगती है जब मैं सफर करती हूँ ट्रैवल करती हूँ तो हम लोग अभी हरिद्वार पहुँचने वाले हैं वन मोर व्हाट ओके यहाँ देखिए फ्रेंड्स मनीषी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वर्क फ्रॉम ट्रेन एक्चुअली नॉट फ्रॉम होम फ्रॉम ट्रेन इधर मिशु की पोयम चल रही है मिशु कौन सी पोयम है बताओ फिर से हाँ बोलो इट्स ओके देखिए फ्रेंड्स ब्यूटीफुल नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है देखिए हम लोग ने मुरादाबाद क्रॉस कर लिया है अभी ये देखिए वाओ बट हम लोग की ट्रेन बहुत स्लो चल रही है गाइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हम लोग लखनऊ स्टेशन में थे उस वक्त तो अभी हम लोग स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और देखिए यहाँ पर
ब्यूटीफुल व्यू निकलते ही देखिए, कितना सुंदर, कितनी सुंदर लाइटनिंग हो रही है देखिए स्टेशन से बाहर निकलते ही। ये देखिए और सामने देखिए, वेलकम टू परफेक्ट सिटी लखनऊ। तो हम फाइनली लखनऊ है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग वेट। जैसे कि हम लोग की ट्रेन कल रात की थी, बट सुबह भी 6 बजे की थी, उसके बाद डीशेड्यूल हुआ टाइम, बट 6 बजे भी नहीं चली, 7 बजे चली है ट्रेन। एंड उसके बावजूद पहुंचना, ट्रेन का जो अराइवल टाइम था वो लखनऊ, मतलब जो लखनऊ पहुंचना था वो 4 बजे पहुंचना था, लेकिन हम लोग अभी 8:15 पे पहुंचे, तो काफ़ी लेट हो गए और काफ़ी हम लोग टायर्ड हो चुके हैं। अब बस चलते हैं और बने रहिए इस व्लॉग में, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि लखनऊ के हम जो फेमस जगह है वो कवर अप करेंगे, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी जो पॉपुलर है, जो फेमस जगह है वो हम कवर करेंगे। एंड हम लोग का ये 1 हफ्ते का टूर है, तो चलिए इस लखनऊ वाली सीरीज़ में आप बने रहिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है तिरंगा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू अंकल, बहुत ही जाना है, चलो ठीक है, चलो। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का वेलकम भी हो गया है।